सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे कि उनके पैर से जमीन खिसक गई है, वो दूसरे के चक्कर में पड़े हैं, अपना पहले बचा लें, वही बहुत बड़ी चीज है। जब उनके ही लोग उनके कहने में नहीं है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए प्रक्रिया क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया, मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मजे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद हैं और आ रहे हैं, लोग वोट देंगे। सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। ये तो बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे, सहयोग करेंगे और एनडीए कुनबा को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगेंगे। क्लियर हो गया है, 100% क्रॉस वोटिंग होगी, ओपन लोग वोट देंगे, आप देखिएगा ना। देखिए भाजपा के भी लोग बात कर रहे थे, जहां वो लोग सफल नहीं थे हमसे कहे कि बात करिए, बात की, वो लोग एग्री हैं और निश्चित है कि लोग वोट देने के लिए रजामंद है और वोट देंगे। देखिए समाजवादी पार्टी के जो नेता कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता है कि उनके पैर से जमीन खिसक गई है, वो दूसरे के चक्कर में पड़े हैं, अपना पहले बचा लें, वही बहुत बड़ी चीज है। मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक चाहते हैं कि एनडीए का जो प्रत्याशी है 8 जीतें, एनडीए मजबूत हो, वो लोग भी एनडीए को मजबूत करने के लिए वोट देने के लिए रजामंद है। हमारे सभी विधायक हैं और मैं जैसे खबरें चली राजा भैया को लेके, मैं उनसे मिला, कल आपने देखा कि राजा भैया सामने आए और सारी बात हो गई। तो इसी तरह समाजवादी पार्टी के लोग अफवाह फैलाते हैं, ये हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि दुनिया को छोड़ दीजिए, कल उनकी डिनर पार्टी में उनके ही खुद विधायक उपस्थित न होना एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि नहीं लगता है। तो जब उनके ही लोग उनके कहने में नहीं है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वो लोग न जाने का कारण आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। अब जाने वाले भी लोग डिनर में, डिनर लेने वाले लोग भी दीवाल फान जाएंगे, देख लीजिएगा। देखिए समाजवादी पार्टी अब उस मुकाम पे जा रही है जैसे बसपा धीरे 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 आज आके सिमट गई कहां, उसी तरह समाजवादी पार्टी उसी ओर जा रही है। ना वो मुसलमानों के बन सके, ना पिछड़ों के बन सके, ना दलितों के बन सके, ना सामान्य वर्ग के, किसी वर्ग के वो बन के नहीं, बल्कि वो अपनी जाति में मजबूत जो उनकी जाति के लोग हैं उन्हीं के बन के रह गए। जो गरीब कमजोर यादव है उनकी जाति के, वो बेचारा जो है अब उनसे दूरी बना रहा है कि ये कमजोरों की नहीं मदद बल्कि मजबूतों की मदद करते हैं। अब क्या जरूरत थी जया बच्चन को प्रत्याशी बनाने का राज्यसभा में, कोई दूसरा कमजोर नहीं मिला। इतनी जातियां हैं उत्तर प्रदेश में, इतने लोग उनके साथ नेता हैं, उनको नहीं खाली जया बच्चन दिखाई देती हैं। तो ये इस बात का लेकर के उनके यहाँ 20% वोट देगा मुसलमान राज्यसभा में नहीं, क्योंकि अब आजम खान जी जेल में हैं, तब उनसे लड़ेगा कौन। अब होते तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती, चिल्ला के करते। और जो इनके साथ विधायक हैं वो तो एकदम मुर्दा की तरह हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि बोलें कि साहब ने क्यों किया। ऐसे हम तो कह रहे हैं कि आज वोटिंग है, ऐसे विधायकों का जरा सा भी अगर स्वाभिमान है, जरा सा भी दिल में समाज के प्रति है, तो इनको वोट का बहिष्कार करना चाहिए कि नहीं देंगे। जब आप हिस्सेदारी नहीं दे रहे तो वोट क्यों दें।